और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा, फॉर लूप के अंदर इवन ऑड और मैसेज प्रिंट। ठीक है, फॉर लूप के अंदर इवन और ऑड नंबर को शो करेगा और मैसेज प्रिंट। जो अपना इवन नंबर है, ऑड नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं अपना सम वैल्यू, यानी सम नंबर जो होते हैं, जैसे 2, 4, 6, ये अपने कौन से होंगे? इवन नंबर। और अपना क्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये अपने क्या होंगे? ऑड नंबर। इस टाइप से अपने क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर को शो करेगा। मैसेज प्रिंट मतलब जितना टाइम आप मैसेज को प्रिंट करना चाहते हो उतना टाइप यहाँ पे कमांड डालोगे, उसके से मैसेज अपना प्रिंट होके आएगा। अब जो अपना क्या है, सी लैंग्वेज को हम ओपन करते हैं। सी लैंग्वेज ओपन की ऑल्ट प्लस एंटर से साइज बड़ा करेंगे। ऑल्ट प्लस एफ नया पेज लेने के लिए किसका यूज करेंगे? फाइल में जाओ, न्यू से नया पेज ओपन हो जाएगा। डबल स्लैश किस लिए यूज करते हैं? लाइन को हाइड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम के नेम को फिल किया, फॉर लूप इन इवन नंबर, क्या डाल दिया? इवन नंबर। इवन नंबर जो हमने यहाँ पे क्या डाला, बिटवीन क्या डाल दिया हमने, किसके बीच अपने को इवन नंबर देखना है, 2 से लेके अपने को क्या तक 40 या 50 के बीच, जो भी अपने इवन नंबर हो उनको शो करें। अब यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, हैश यूज किया प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए। इंक्लूड शामिल होना stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h मीन्स हेडर फाइल। सेकंड हेडर फाइल हमने स्टार्ट की इंक्लूड conio .h कंसोल इनपुट आउटपुट .h मीन्स हेडर फाइल। वॉइड क्या होता है? नल। मेन क्या होता है? फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में क्या फिल करेंगे हम? कोडिंग को फिल करते हैं, यानी कोडिंग फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, int इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमने वेरिएबल क्या लिया, a जो है वो वेरिएबल लिया हमने, सेमीकोलन। clr क्लियर स्क्रीन के लिए इसका यूज करते हैं। एंटर। अब इसमें क्या, फॉर लूप हमने स्टार्ट किया। फॉर लूप के अंदर क्या फिल किया हमने, a = 0, ए जो अपना वो 0 से चले, a < = 40 तक चले। कहाँ तक चले? 40 तक। a++ इंक्रीमेंट वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट ओपन। फिर हमने क्या डाला, जो a अपना वेरिएबल है वो a+, तो a में क्या होता जाए, 2, 2 प्लस करता जाएगा तो अपना इवन नंबर यहाँ पे शो करेंगे। सेमीकोलन एंटर। फिर हमने डाला प्रिंटअप। प्रिंटअप के अंदर हमने यहाँ पे किसका यूज किया, स्लैश एन किस लिए यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन के लिए। %d नंबर के लिए ए को हमने क्या किया, प्रिंट किया। ए को हमने प्रिंटअप किया, सेमीकोलन एंटर, कर्ली ब्रैकेट बंद। get ch किस लिए यूज करते हैं? गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। f2 से फाइल को क्या करेंगे, सेव। यहाँ पे f2 से फाइल को क्या करना है, सेव करना है। किस नाम से हमने फाइल सेव की, ec.c के नाम से फाइल को सेव किया। अब इसमें क्या, हमने कंडीशन लगाई 0 से चले अपनी और 40 तक ये नंबर चले, उसके अंदर प्लस प्लस। अब जो a के अंदर प्लस होए वो कितना है, 2, 2, उसके अंदर प्लस होता जाए। a को हमने क्या किया, प्रिंटअप। f2 से फाइल को सेव किया, alt f9 करते हैं एरर को चेक करने के लिए। कंट्रोल F9 करोगे तो ये क्या है, इवन नंबर को यहाँ पे शो करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, 1 से स्टार्ट हुई 1 डाल दिया, Ctrl F9, तो अपना क्या दिखा रहा है, ये ऑड नंबर को शो करेगा। यहाँ पे क्या डाला हमने, 0 से चले, ए जो अपना कहाँ से चलेगा, 0 से चले और कहाँ तक चले, <= 40 तक चले। ए में क्या होता जाए, प्लस प्लस। अब ए वेरिएबल जो है उसके अंदर क्या है, प्लस होता जाए अपना, 2 प्लस होता जाएगा। अब 0 में 2 प्लस करोगे 2 आ गया, फिर 2 में 2 प्लस करोगे 4 आ जाएगा। इस टाइप से अपना इवन नंबर यहाँ पे शो करेगा। Alt F9 फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है। Alt F करोगे सेव एज, यहाँ पे किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, AA.c के नाम से हमने फाइल को सेव किया। Ctrl F9 तो क्या है, अपना प्रोग्राम रन होके आएगा।
अब यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर देखना है अपने को, इसको क्या से चेंज करेंगे, ऑड नंबर देखना है तो ऑड नंबर भी चेंज हो गया आएगा। ऑड नंबर में यहाँ पे क्या चेंज कर देते हैं, फील यहाँ पे अगर इसी के अंदर फील करना है तो यहाँ से चेंज किया हमने कंट्रोल F9, यहाँ पे क्या डालेंगे 0 डाल दिया, यहाँ पे क्या डालेंगे 1। अब F2 से सेव, कंट्रोल F9 किया, अब ये अपना क्या दिखा रहा है, ऑड नंबर को शो कर देगा। अब देखो ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 इस टाइप से ऑड नंबर को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। अगर यहाँ पे क्या है 2+ कर देंगे तो किसको दिखाएगा, अपना इवन नंबर को शो कर देता है। F2 से सेव, यहाँ पे हमने क्या फील किया, अब इसका नेम चेंज कर देते हैं। नेम क्या चेंज करेंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में हमने क्या फील किया, यहाँ पे 2 से लेके कहाँ तक दिखाया, अपना 40 तक ऑड नंबर को शो करेगा। अब ऑड नंबर में यहाँ पे क्या डाला हमने, 0 से चले और यहाँ पे क्या 1+ हो, 1 हुआ, फिर क्या अपना यहाँ पे 2+ हुआ, 2 में 1+ करोगे तो कितना आएगा 3, 3 में 1+ यानी 2+ करोगे तो कितना आएगा 1, तो अपना यहाँ पे प्लस होता है और दूसरा यहाँ पे प्लस होगा। अब F2 से फाइल को क्या किया, सेव। ये था अपना ऑड नंबर, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ऑड नंबर चेंज हो जाता है। अब देखो इवन नंबर में यहाँ पे क्या चेंज करोगे, यहाँ पे हमने डाला 1, 0 और इसके अंदर क्या डाला 1, क्योंकि हमारा क्या है, ये देखो 2 नहीं डलेगा, यहाँ पे क्या डलेगा 1 ही डलेगा, क्योंकि 1 तो हमारा इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है और 1 हमारा इंक्रीज यहाँ पे होगा, तो 2 में 2+ करोगे तो कितना आएगा फिर 4। इस टाइप से अपना इवन नंबर ऑड नंबर बनता जाएगा। ये हमारा क्या है इवन नंबर, इसको अलग अलग करके भी आप बता रहे हैं। यहाँ पे क्या डाल दिया इवन, F2 से सेव, इवन नंबर अपना क्लियर हुआ। यहाँ पे जैसे ही आउटपुट देखोगे तो अपना क्या है, ये तो अपना ऑड नंबर डाल दिया क्योंकि यहाँ पे हमने 0 कर दिया। अब ऑड नंबर इवन नंबर करना है, 1 डालोगे कंट्रोल F9 तो अपना क्या दिखाएगा, इवन नंबर को शो कर देता है। अब ऑड नंबर वाला प्रोग्राम हम करते हैं, यहाँ पे F2 से सेव किया इसको, ऑल्ट F, न्यू पेज हमने यहाँ पे फिल किया। अब इसमें क्या डाल दिया, फोर लूप के अंदर ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आपको उसमें भी चेंज करके बताया, अलग से भी आपको करके दिखा रहे हैं। stdio .h means header file। अब second header file हमने यहाँ पे फिर start की, conio .h console input output, void क्या है null, main क्या अपना function को start करने के लिए, curly bracket open। अब int integer में क्या डाल दिया हमने, i variable यहाँ पे fill किया, i क्या लिया हमने variable, enter clr str clear screen semicolon enter किया। फोर लूप हमने स्टार्ट किया, फोर में क्या डाल दिया यहाँ पे, ए जो है इक्वल 1 डाल दिया सेमीकोलम, ए लेस देन इक्वल 40 सेमीकोलम कंडीशन वैल्यू होगी, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, एंटर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे क्या है ए इक्वल ए प्लस 1 सेमीकोलम एंटर। अब यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रिंट अप, प्रिंट अप के अंदर क्या फील करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास प्लस एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, परसेंट डी नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा, ए को हमने क्या किया प्रिंट किया क्योंकि ए के अंदर, अब देखो ए कर दिया हमने लेकिन वेरिएबल हमने क्या ले रखा है, आई ले रखा है, तो अपना क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तो आई की जगह हम ए ही रख लेते हैं क्योंकि ए का ही हमने लूप चलाया और ए को ही हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया है। सेमीकोलम एंटर करली ब्रैकेट बंद, गेट सी एच, गेट सी एच किस लिए लेते हैं, गेट करेक्टर के लिए इसका यूज करते हैं। सेमीकोलम एंटर करली ब्रैकेट बंद, F2 से फाइल को क्या करोगे, सेव। अब यहाँ पे फाइल किस नाम से सेव की, odd1.c के नाम से फाइल को सेव किया। अब जो पहले वाली फाइल है वो देखना चाह रहे हो तो वो इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करोगे, इससे भी हम देख सकते हैं फाइल को ओपन करना चाह रहे हो F3 से ओपन कर सकते हो। F3 से क्या करेंगे, फाइल को ओपन, odd1.c के नाम से फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने देखो फॉर्मूला लगाया वो सही लगाया कि नहीं, यहाँ पे फॉर लूप में a इक्वल 0, 0 डालेंगे यहाँ पे क्योंकि ओड नंबर है। F2 से सेव, कंट्रोल F9,
आप देखो 1 से लेके 41 तक आपका ओड नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इनके बीच में किसको दिखा रहा है, ओड नंबर को शो कर रहा है। अब एंटर, ये अपना किस चीज का प्रोग्राम था, ओड नंबर का। फिर नेक्स्ट अपना प्रोग्राम क्या है, मैसेज प्रिंट। अब यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम का नेम क्या डाल दिया हमने, मैसेज प्रिंट। मैसेज प्रिंट के अंदर हैश यूज किया, इंक्लूड एसटीडीआईओ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मींस हेडर फाइल। अब सेकंड हेडर फाइल हमने स्टार्ट की कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट वर्ड मेन, वर्ड मेन मेन मतलब फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब फॉर लूप इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, वेरिएबल डाटा, डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आप मन किसको स्टोर करते हैं, वेरिएबल को स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल इसमें ए ही हमने पुट किया, यहाँ पे वेरिएबल लिया सेमी कोलम। सी एल आर एस सी आर क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। सी एल आर एस सी आर क्या होगा अपना, क्लियर स्क्रीन सेमी कोलम एंटर। अब फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, इसमें क्या डाला, ए वन से चले और जो ए लेस देन इक्वल कहाँ तक चले अपना, 25 तक कंडीशन चले, ए प्लस प्लस 25 तक अपना मैसेज प्रिंट होके आएगा। ब्रैकेट बंद एंटर, करली ब्रैकेट ओपन। फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, प्रिंट अप। प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट होए, आर सी आई टी डॉट इन, आर सी आई टी डॉट इन हमने प्रिंट किया। इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, सेमी कोलम हमने यूज किया एंटर, करली ब्रैकेट बंद। गेट सी एच का हमने यूज किया, गेट सी एच किस लिए होता है, गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है, करली ब्रैकेट बंद। एफ फाइव करना चाहते हो फुल स्क्रीन अपनी शो करेगा। एफ टू से फाइल को क्या करोगे, सेव। यहाँ पे हमने फाइल किस नाम से सेव की, प्रिंट नाम से क्या किया हमने, सेव डॉट सी, प्रिंट डॉट सी के नाम से अपना यानी फाइल क्या हो चुकी, सेव हो चुकी। अब यहाँ पे ओल्ड एफ नाइन करते हो तो एरर को चेक करने के लिए इसका यूज करेंगे। आप कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो प्रोग्राम क्या होएगा, रन होएगा। अब देखो प्रोग्राम अपना क्या है, रन हो गया, लेकिन इसमें हमने किसका यूज नहीं किया, स्लैश एन का यूज नहीं किया। स्लैश एन किस लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जैसे ही स्लैश एन यूज किया, कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो 20 तक अपना ये मैसेज प्रिंट होके यहाँ पे शो किया। अब आगे भी मैसेज अपने को प्रिंट करना है, वो कैसे करोगे, यहाँ पे सेव किया, यस। इसमें नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी डाल देंगे हम एंटर, प्रिंट अप। प्रिंट अप के अंदर हमने नेक्स्ट मैसेज प्रिंट किया, स्लैश टी टैब वाइज। टैब वाइज किस लिए किया, कि नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। अब स्लैश टी यहाँ पे क्या डाल दिया, हरियाणा डाला, तो अपना क्या है मैसेज यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। अब कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर ये चीज क्या हो जाएगी, अपनी फिल होके आ जाएगी, एंटर। अगर आगे भी आपको फिल करना है तो आगे भी इसमें इस टाइप से मैसेज कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट अप के अंदर स्लैश सी डाल के हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर फिल कर सकते हैं। ये था अपना मैसेज प्रिंट का प्रोग्राम। अब इसमें क्या है अपना, यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट वाला प्रोग्राम आपको करवाया उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जो मैसेज प्रिंट वाला अपना प्रोग्राम हमने किया है उसका स्क्रीनशॉट सभी लेंगे। ऑल्ट प्लस एंटर से साइज बड़ा किया, कंट्रोल एफ नाइन करेंगे तो इसके आउटपुट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जो इससे पहले वाला प्रोग्राम हमने किया था, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले वाला प्रोग्राम दिखा देगा। ये किस चीज का था अपना, ओड नंबर का। ओड नंबर हमने कहाँ से देखे, 0 से 40 के बीच में ओड नंबर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कंट्रोल एफ नाइन किया, इसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट।
उसके बाद इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था अपना, वो किस चीज का प्रोग्राम था? यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर का हमने प्रोग्राम किया। उसका स्क्रीनशॉट लो। टू से 40 तक अपना यहाँ पे इसके बीच में क्या है, इवन नंबर को शो कर रहा है। कंट्रोल F9 किया तो ये क्या है अपना इवन नंबर शो करेगा। ये था अपना आज का टॉपिक, ठीक है। अब जो भी आपको टॉपिक करवाया है उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो पूछ सकते हो, कोई भी ऑप्शन पूछना है तो वो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।